यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध के चलते यूएन में दो बार मीटिंग हुई जिसमें भारत ने किसी का भी समर्थन नहीं किया और रशिया के खिलाफ वोटिंग में भी दूर ही रहा। अब इसी वजह से अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देश भारत से काफी नाराज है, जिससे भारत को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत फिलहाल यूएन का टेम्पररी मेंबर है और अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस ये सब परमानेंट मेंबर्स है। भारत ने भी कई बार यूएन का परमानेंट मेंबर बनने का प्रस्ताव रखा जिसको सभी देश मंजूर भी कर लेते, लेकिन सिर्फ चीन ही था जो अपना वीटो पावर यूज करके भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनने से रोक लेता था। लेकिन अब हालात की वजह से चाइना के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। अब अगर भारत भी यूएन का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो कश्मीर जैसे मुद्दों को आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका भी अब भारत का विरोध कर रहा है। तो मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ कि घर में घुसकर सभी को मारा है, कब्र सभी की खोदी है, भारत की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत।